साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग एडुटेरिया ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी 70th के लिए है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, उसके टेस्ट नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 1 और 2 का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। आज का जो डिस्कस किया जाएगा टॉपिक है उसका एनसीईआरटी हिस्ट्री। इससे 80 क्वेश्चन रहेंगे। क्लास नाइन्थ का सेक्शन 2 को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि क्लास नाइन्थ का सेक्शन 1 ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया जा चुका है। क्लास 10, 11 का सेक्शन 1 एंड 2, इसमें नए नए क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होंगे 15 से 21 जनवरी 2024 वाले। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वेयर द रीजंस फॉर कटिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों कारण है। फॉर द सप्लाई ऑफ वुड फॉर रॉयल नेवी, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे लाइंस और स्प्रेड ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चरल प्लांटेशन। इसके कारण फॉरेस्ट को कट किए जा रहे थे। इन विच ईयर वॉज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एस्टेब्लिश। यह एस्टेब्लिश हुआ था 1864 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्रू स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। द मेथड टॉट हेयर वॉज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बोला जाता था। इट वॉज इस्टेब्लिश इन देहरादून इन द ईयर 1906 देहरादून में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। ट्रू स्टेटमेंट सिर्फ पहला। द फॉरेस्ट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड रूरल। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द नेम ऑफ झूम कल्टिवेशन एंड द रिस्पेक्टिव एरिया। सही जवाब है ऑप्शन सी, पहला हो गया लदांग साउथ ईस्ट एशिया, झूम कल्टिवेशन है झूम खेती, मिल्पा सेंट्रल अमेरिका, चितमेने अफ्रीका और चेना कहाँ का है, श्रीलंका का। वाई वेयर यूरोपियन फॉरेस्ट रेंजर्स अगेंस्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रू स्टेटमेंट है ऑप्शन डी, तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा। द लैंड अंडर शिफ्टिंग कल्टीवेशन बिकेम अनफेवरेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। दूसरा है, वाइल बर्निंग द फॉरेस्ट देर वॉज अ डेंजर ऑफ अदर वैल्यूएबल ट्रीज गेटिंग बर्नड टू अवॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम ऑफ टैक्स कलेक्शन। इन तीनों के कारण यूरोपियन फॉरेस्ट रेंजर क्या थे, अगेंस्ट शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश टेकिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट ट्रेड। देख सकते हैं कि फॉरेस्ट से रिलेटेड अच्छे खासे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्या था, इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश टेकिंग गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट ट्रेड। ट्रू स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट सही है। द मोनोपोली, तीनों सही है। द मोनोपोली ऑफ फॉरेस्ट ट्रेड वॉज हैंडेड ओवर टू यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। सही है। ए बैन वॉज इम्पोज ऑन हंटिंग एंड ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स बाय द लोकल पीपल। सम नोमैडिक कम्युनिटीज वेयर फोर्स टू वर्क इन माइंस एंड प्लांटेशन। हु वॉज कॉल्ड देवसारी और मान। सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ज इन एक्सचेंज फॉर टिम्बर इन ट्राइबल एरियाज। किसे देवसारी बोला जाता था या फिर मान बोला जाता था, चार्ज इन एक्सचेंज फॉर टिम्बर इन ट्राइबल एरियाज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लेंडोंगियन सिस्टम। सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा सही है। इन दिस सिस्टम इन एक्सचेंज फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रेंट टू द विलेजर्स दे विल बी प्रोवाइडेड विथ फ्री वुड फॉर कैरिंग बफेलोज। टेन, व्हाट वेयर सरना देवराकुड़ू कान राय इटीसी। सही जवाब है ऑप्शन सी, सेक्रेड गार्डन फॉर ट्राइबल पीपल। ये सब क्या था, सेक्रेड गार्डन फॉर ट्राइबल पीपल। 11, क्वेश्चन नंबर 11, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, मैच कर लेते हैं। मैच द पेस्टोरल कम्युनिटीज एंड द फैक्ट्स रिलेटेड विथ देम। तो ये हो गया गोला कम्युनिटी, गोला रियरिंग काउज एंड बफेलोज, गोला या फिर ग्वाला कम्युनिटीज, कुरुमान कम्युनिटी हो गया,
यूज टू रियर सीप एंड गोट्स। रायका कम्युनिटी हो गया रिलेटेड टू रीजन ऑफ महाराष्ट्र, और धांगर कम्युनिटी हो गया बिलोंगिंग टू राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 11, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंशियंट ट्रेवलर्स। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। ट्रेडर्स हैव बीन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। दूसरा है प्रीस्ट एंड पिलग्रिम्स हैव बीन ट्रेवलिंग फार एंड वाइड इन सर्च ऑफ नॉलेज एंड स्पिरिचुअल पीस। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इन एंशियंट टाइम देयर वॉज नो एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट रीजन्स थ्रू डिफरेंट ट्रेवलर्स। इसमें से कोड सही कोड कौन सा है, ऑप्शन डी, सब कुछ का एक्सचेंज हुआ था। पूछा जा रहा है कि नो एक्सचेंज, आंसर है डी, नन, यानी कि सब कुछ का एक्सचेंज हुआ था, जर्म डिजीज आइडियाज वैल्यू बिलीफ स्किल्स इन्वेंशन। हुज इम्पोर्टेंस इज रिवील्ड इन द पोस्ट 9th सेंचुरी मेमोरियल स्टोन फाउंड इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन विच इज प्रिजर्व्ड इन द गोवा म्यूजियम। सही जवाब है ऑप्शन बी, मैरीटाइम ट्रेड। मैरीटाइम ट्रेड कहाँ पे यह प्रिजर्व है, गोवा म्यूजियम में। 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिल्क रोड। सिल्क रोड से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा सही है, ऑप्शन ए तीसरा केवल, दिस रूट एग्जिस्टेड टिल अबाउट 15th century तक इसका एग्जिस्टेंस था। द सिल्क रोड हैज बीन डिपिक्टेड इन ए केव पेंटिंग इन चाइना, द नंबर ऑफ दैट केव इज। सही जवाब है केव नंबर 217, केव नंबर 217। द नेम ऑफ मार्को पोलो बुक इज, बुक ऑफ मार्बल्स, मार्को पोलो जिस बुक का नाम क्या लिखा, बुक का नाम क्या है, बुक ऑफ मार्बल्स। व्हाट इज स्पेगेटी, सही जवाब है ए टाइप ऑफ फूड आइटम, ऑप्शन बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पूछा जा रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन बी, ईटेबल्स रीच्ड ड्यूरिंग ईटेबल्स रीच्ड यूरोप एंड एशिया व्हेन क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। ईटेबल्स रीच्ड यूरोप एंड एशिया व्हेन क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 16th सेंचुरी। सही जवाब है ऑप्शन सी, कौन कौन पूछा जा रहा है कि 16th सेंचुरी से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है उसके बारे में ये कौन कौन से गलत हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा ये दोनों गलत है, सही है उसको पढ़ते हैं, सही पहला हो जाएगा। वाइट द मिडिल ऑफ 16th सेंचुरी पोर्तुगीज एंड स्पेनिश आर्मीज had started colonizing America. स्टेटमेंट ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 21, इन द 19th सेंचुरी इकोनॉमिस्ट्स mentioned थ्री टाइप ऑफ मूवमेंट और फ्लोज इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। दीज आर, ये तीनों कौन कौन से हैं, ये हो जाएगा थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट है, ऑप्शन बी है, पहला और दूसरा ट्रेड और कैपिटल, ट्रेड दो हो गए और तीसरा है लेबर। तो थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट थे, पहला ट्रेड का मूवमेंट, दूसरा कैपिटल का मूवमेंट, कैपिटल वाले में ड्रेन थ्योरी, और लेबर का, तीन का मूवमेंट हो रहा था। इन विच ईयर डिड कॉलोनियल गवर्नमेंट पास द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब पास हुआ था, 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट पास हुआ था, याद रखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रेजिंग टैक्स। ग्रेजिंग टैक्स ट्रू स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए पहला और तीसरा, टैक्स वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द शेफर्ड ऑन एवरी एनिमल ग्रेजिंग इन द पेस्चर। बिफोर एंटरिंग एनी पेस्चर लैंड द शेफर्ड हैड टू शो अ पास एंड पे अ टैक्स। बिफोर एंटरिंग एनी पेस्चर लैंड द शेफर्ड हैड टू शो अ पास एंड पे अ टैक्स। चराने के लिए भी, भैंस चराने के लिए भी टैक्स पे करना पड़ता था। व्हाट वेयर द इफेक्ट्स ऑफ द हर्डर टैक्स। हर्डर टैक्स का इफेक्ट क्या था, ट्रू स्टेटमेंट ऑप्शन सी, द लेवल ऑफ पेस्चर स्टार्टेड फॉलिंग, एनिमल्स स्टार्टेड डाइंग इन लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स में एनिमल का डेथ होने लगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग
मोजाइलैंड सही जवाब है इसका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोजाइलैंड, ऑप्शन बी इसका सही है। द कॉलोनियल पावर्स डिवाइडेड मोजाइलैंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉलोनियल रूल एंड मजाई। 26 का आंसर हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट, ओनली बी। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर हर्डर्स इंक्रीज्ड। जो अमीर और गरीब हर्डर्स थे, भैंस ये बकरी चराने वाले, सीप चराने वाले, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता गया। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाई इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंसीडर्ड द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। सही जवाब है ऑप्शन डी, तीनों ट्रू स्टेटमेंट है। सॉवरेनिटी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मोनार्की टू द ग्रुप ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो ये हो गया सॉवरेनिटी ट्रांसफर हो गया मोनार्की से ग्रुप ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के पास। ड्यू टू डेवलपिंग सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बिकॉज ऑफ द न्यू फ्रेंच फ्लैग विच रिप्लेस्ड द ओल्ड नेशनल फ्लैग। क्वेश्चन नंबर 28। नेपोलियन सिविल कोड हैड द फॉलोइंग प्रोविजन। सही जवाब है ट्रू स्टेटमेंट ऑप्शन डी, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ वेयर अबॉलिश्ड। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ वेयर अबॉलिश्ड, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रॉपर्टी राइट्स वेयर सिक्योर्ड। दिस कोड वॉज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन एरियाज अंडर फ्रेंच कंट्रोल। दिस कोड वॉज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड इन एरियाज अंडर फ्रेंच कंट्रोल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हैब्सबर्ग एम्पायर। यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इससे आपका क्या होगा कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो कमांड हो जाएगा और आपको अलग से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम के टाइम पे आपका समय बच जाएगा, मेंस के एग्जाम के टाइम पे आपका समय बच जाएगा। ये सब पीटी का, ये सब पीटी का सिलेबस में नहीं आता है, पर फिर भी अगर यहाँ पे क्वेश्चन है तो हम लोग देखेंगे। सही जवाब है ट्रू स्टेटमेंट दोनों। इट वॉज ए मल्टी लिंगुअल एंड मल्टी रेशियल एम्पायर। दिस एम्पायर रूल्ड ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। व्हाट वॉज एल ए। सही जवाब है ऑप्शन बी, क्लोथ मेजरिंग स्केल। क्लोथ मेजरिंग स्केल था। द कंजर्वेटिव सिस्टम री इस्टेब्लिश्ड इन यूरोप आफ्टर 1815 हैड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन ए, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, मोनार्की था, चर्च था, टू मेंटेन सोशल हायरार्की। 32, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ज्यूसेप्पे मेज़िनी। मेज़िनी के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। 32 का आंसर ए, ही बिकेम द मेंबर ऑफ द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कार्बोनारी। सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कार्बोनारी का मेंबर थे कौन, मेज़िनी। Whom did Metternich describe as the most dangerous enemy of our social system? सही जवाब है मेज़िनी के बारे में। मेटर्निक ने मेज़िनी के बारे में बोला कि मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल सिस्टम। When did Greece gain independence from the Ottoman Empire? 34 का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1832 में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रोमांटिसिज्म। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉजिक एंड साइंस। रोमांटिक आर्टिस्ट्स एंड पोएट्स क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ लॉजिक एंड साइंस। दे वॉन्टेड टू मेक द रियलाइजेशन ऑफ ए कॉमन कलेक्टिव हेरिटेज एंड ए शेयर्ड कल्चरल पास्ट द बेसिस ऑफ द नेशन। 36, व्हाट वॉज द मेन सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अगेंस्ट रशिया इन पोलैंड। व्हाट वॉज द मेन सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अगेंस्ट रशिया इन पोलैंड। सही जवाब है ऑप्शन सी, लैंग्वेज। 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑफ 1848। सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्रू स्टेटमेंट, तीनों सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। मेनली इकोनॉमिक रीजंस वेयर रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस रिवोल्यूशन। आफ्टर दिस रिवोल्यूशन ऑल मेन अबव 21 ईयर्स ऑफ एज गॉट द राइट टू वोट। बाई डिक्लेयरिंग द नेशनल असेंबली अ रिपब्लिक
राइट टू डू ऑल वर्क वॉज गारंटी, द राइट टू डू ऑल वर्क वॉज गारंटी। इन विच ईयर वॉज द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हेल्ड इन सेंट पॉल्स चर्च? सही जवाब है ऑप्शन ए 1848। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इसको स्किप करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन सी पहला और तीसरा। पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। मेजिनी ट्राइड टू मेक इटली अ रिपब्लिक थ्रू ए रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ गैरिबाल्डी लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर टुक पार्ट इन द वॉर। क्वेश्चन नंबर 41। व्हेन वाज आयरलैंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू ब्रिटेन? सही जवाब है ऑप्शन डी 1801 में। आयरलैंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू ब्रिटेन 1801 में। व्हाट इंपैक्ट डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैव ऑन इंडियन सोसाइटी? सही जवाब है ऑप्शन डी पहला दूसरा तीसरा, तीनों सही है। टैक्सेस वेयर इंक्रीज्ड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडियन सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट रहा? टैक्सेस वेयर इंक्रीज, देयर वाज ए सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम, सोल्जर्स वेयर फोर्सिबली रिक्रूटेड। सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रॉलेट एक्ट। सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रॉलेट एक्ट। तो फॉल्स स्टेटमेंट है ऑप्शन ए। जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द प्रपोज रॉलेट एक्ट 1919 में। पॉलिटिकल प्रिजनर्स गॉट द राइट टू बी केप्ट इन जेल विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। याद रखिएगा फॉर 2 ईयर्स, ये डेटा आपको याद रखना है। दिस लॉ वॉज अपोज बाई पब्लिक बाई होल्डिंग रैलीज एंड स्ट्राइक्स। देयर वॉज ए खिलाफत कमिटी फॉर्म इन 1919। खिलाफत कमिटी 1919 में फॉर्म हुआ था बॉम्बे में फॉर्म हुआ था मार्च 1919 में। अगर एग्जैक्ट बात करें कब हुआ था खिलाफत कमिटी का फॉर्मेशन, मार्च 1919 में। 45। इन विच ईयर वाज महात्मा गांधी बुक हिंद स्वराज रिटेन? हिंद स्वराज कब लिखा गया था? ऑप्शन ए 1909 में। हिंद स्वराज बुक वाज रिटेन बाय महात्मा गांधी इन 1909 में। 46। ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी पहला और तीसरा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द अर्बन मिडिल क्लास। सही है ये। ड्यू टू एक्सपेंसिवनेस ऑफ इंडियन खादी क्लॉथ द पुअर डिड नॉट बॉयकॉट फॉरेन क्लॉथ फॉर लॉन्ग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अवध किसान सभा। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी तीनों। इट वाज फॉर्मड इन अक्टूबर 1920। अवध किसान सभा का फॉर्मेशन हुआ था अक्टूबर 1920 में। इट वॉज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड सम अदर। ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कांग्रेस लीडर ट्राई टू इंक्लूड द अवध फार्मर्स स्ट्रगल इन दिस मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 48। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुडेम रिवेलियन। सही जवाब है 48 का टू स्टेटमेंट ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है। इट वॉज ए काइंड ऑफ गोरिल्ला मूवमेंट लेड बाई एल्यूरी सीताराम राजू। राजू यूज टू सिंग प्रेजेज ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी से रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? पहला। तो जो फॉल्स है उसको रहने देते हैं, जो सही है उसको पढ़ते हैं। ये तीनों बी सी डी सही है। सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू वेयर इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी हु वॉन्टेड टू रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। सही है। दे वॉन्टेड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन। सही है। टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स कंस्टिट्यूटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द एम ऑफ स्वराज पार्टी वॉज टू अपोज द ब्रिटिश पॉलिसीज वाइल इन द काउंसिल। स्वराज पार्टी का एम था कि ब्रिटिश पॉलिसी को अपोज करें काउंसिल में रहते हुए।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन सा सही है पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी दूसरा और तीसरा। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू स्टडी द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड टू गिव सजेशंस अबाउट इट। सीइंग द पोजीशन इन इंडिया वॉयसरॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 51। व्हेन डिड गांधी जी साइन द एग्रीमेंट विथ इरविन विड्रॉइंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सही जवाब है ऑप्शन बी 5 मार्च 1931 को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नो रेंट कैंपेन। ऑप्शन ए सही है पहला और दूसरा। दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई स्मॉल फार्मर्स हु वेर डूइंग फार्मिंग बाई टेकिंग लैंड ऑन लीज फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स। दिस मूवमेंट विच वॉज स्टार्टेड टू एग्जेम्प्ट द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम पेइंग रेंट वॉज लेड बाई सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। यानी कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इसके लीडर थे। क्वेश्चन नंबर 53। व्हेन वॉज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर्म। कब फॉर्मेशन हुआ था, 1927 में। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1927 में फॉर्मेशन हुआ था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट। सही जवाब है फॉल्स स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, नन ऑफ द अबव। यानी कि सारे स्टेटमेंट सही हैं। आफ्टर गांधी जी कॉल वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द नेशनल मूवमेंट इंक्रीज्ड। गांधी जी बिलीव दैट रियल ड्यूटी ऑफ अ वुमन इज टू रन द हाउस, टेक केयर ऑफ किचन, फुलफिल द रोल्स ऑफ गुड मदर एंड गुड वाइफ। कांग्रेस वॉज हेजिटेंट इन गिविंग इंपॉर्टेंट प्लेस टू वुमेन। तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। गांधी जी बिलीव दैट रियल ड्यूटी ऑफ ए वुमेन इज टू रन द हाउस, टेक केयर ऑफ द किचन, फुलफिल द रोल्स ऑफ ए गुड मदर एंड ए गुड वाइफ। दिस दैट इज वाई फॉर ए लॉन्ग टाइम कांग्रेस रिमेन हेजिटेंट इन गिविंग प्लेस टू वुमेन ऑन एनी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। कांग्रेस वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन हिज सिम्बोलिक प्रेजेंस। 55 का आंसर हो जाएगा सी 1930। हु फर्स्ट पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ मदर इंडिया इन द फॉर्म ऑफ सन्यासिनी। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी अवनींद्र नाथ टैगोर ने पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ मदर इंडिया। 57। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन फ्लैग ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन फ्लैग ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन डी। यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल द ट्राई कलर फ्लैग हैड द कलर्स ग्रीन येल्लो एंड रेड। बाई 1921 गांधी जी हैड ऑल्सो प्रिपेयर्ड द फ्लैग ऑफ स्वराज। इट वॉज ऑल्सो ट्राई कलर व्हाइट ग्रीन एंड रेड। इन विच मीटिंग वॉज द प्रपोजल फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट पास। कहाँ पर यह पास हुआ था, सही जवाब है ऑप्शन बी वर्धा में क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन पास हुआ था वर्धा में। वाट वॉज द इंक्यूजिशन क्या था, सही जवाब है ऑप्शन ए रोमन कैथोलिक इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है वो। 60। द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ प्रोग्रेस। ऑटोक्रेसी विल ब्लो अवे इन द स्टॉर्म ऑफ पब्लिक ओपिनियन क्रिएटेड बाय इट। हु सेड दिस, सही जवाब है ऑप्शन सी लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। डिटरमाइन द क्रोनोलॉजी। 61 ऑप्शन ए सही है। प्रेसेस बिगेन टू बी मेड ऑफ मेटल, इन्वेंशन ऑफ सिलिंड्रिकल प्रेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफसेट प्रेस, फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेस। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन ऑफ तुलसीदास 16th सेंचुरी बुक रामचरितमानस पब्लिश। रामचरितमानस का पब्लिकेशन हुआ था 1810 में। हु रोट द बुक स्त्री धर्म विचार किसने लिखा था, सही जवाब है ऑप्शन ए राम चड्डा ने। स्त्री धर्म विचार लिखने वाले हैं राम चड्डा। 64। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राइटिंग आर्ट ऑफ मेसोपोटामिया।
सही जवाब है ऑप्शन सी, वन ओनली। मेसोपोटामियंस रोट द रोट ऑन क्ले टैबलेट्स, मेसोपोटामियंस रोट ऑन क्ले टैबलेट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेसोपोटामियन सोसाइटी, मेसोपोटामियन सोसाइटी। ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, 65 का आंसर डी हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। द न्यूक्लियर फैमिली वाज कंसीडर्ड आइडियल, द फादर वाज द हेड ऑफ द फैमिली, द फादर हाउस लाइफ स्टॉक फील्ड्स वेयर इनहेरिटेड बाई हिज सन, पेट्रियार्कल सोसाइटी था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टाउन प्लानिंग इन मेसोपोटामिया, 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें पूछा जा रहा है कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो ऑप्शन ए पहला और दूसरा ये गलत हो जाएगा, तीसरा सही है। द लाइट इन साइड द रूम्स डिड नॉट कम फ्रॉम विंडो बट फ्रॉम ओपन डोर इन द कोर्ट यार्ड। क्वेश्चन नंबर 67, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोमन सोसाइटी, रोमन सोसाइटी से रिलेटेड स्टेटमेंट कौन कौन से सही है, 67 का आंसर डी, तीनों सही है। न्यूक्लियर फैमिली वाज प्रिवेलेंट, डॉटर हैड द मेन इनहेरिटेंस ऑन द फादर्स प्रॉपर्टी, हस्बैंड एंड वाइफ वेयर कंसीडर्ड टू सेपरेट फाइनेंशियल एंटिटीज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रोमन इकोनॉमी, 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और तीसरा सही है। ओलिव ऑयल वॉज द मेन एक्सपोर्ट आइटम एट दैट टाइम, ए वेल ऑर्गेनाइज कमर्शियल एंड बैंकिंग सिस्टम ऑपरेटेड। 69, सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्लेवरी एंड कंट्रोल ओवर वर्कर्स इन द रोमन एम्पायर, जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो रहा ऑप्शन सी, जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द लेबर इन रोमन इकोनॉमी वाज डन बाय स्लेव, सही है। आफ्टर द फर्स्ट सेंचुरी प्रायोरिटी वाज गिवन टू हार्ड लेबरर्स इन स्टेड ऑफ स्लेव्स, रूरल इंडेपेंडेंस वाज प्रिवेलेंट इन द रोमन एम्पायर इन द फर्स्ट सेंचुरी, यह भी सही है। व्हाट वाज यसा रिलेटेड टू मंगोल्स, सही जवाब है 70 का ऑप्शन सी, कंपाइलेशन ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज ऑफ मंगोल ट्राइब। 71, व्हाट वेयर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अमेरिकन सिविल वॉर ऑन इंडिया, 71 का आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। इंडियन वीवर्स हैड फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, ब्रिटिश डिपेंडेंस ऑन इंडियन एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड, ब्रिटिश डिपेंडेंस ऑन इंडियन एग्रीकल्चर इंक्रीज्ड। वेयर वेयर मोस्ट इंडेंचर लेबरर्स सेंट, कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडेंचर्ड लेबरर्स को सेंड किया गया, भेजा गया, ऑप्शन बी कैरेबियन कंट्रीज में। 73, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू ब्रिटेन्स इकोनॉमी इन द लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी, सही जवाब है ऑप्शन ए, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए पहला और दूसरा। एट दिस टाइम ड्यू टू द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन ब्रिटेन द डिमांड फॉर फूड इंक्रीज रैपिडली, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हैड इंक्रीज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हैड इंक्रीज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, 74 का आंसर हो जाएगा डी, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, डी यानी कि दोनों गलत है, तो आगे बढ़ते हैं। 75, इन द एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन गिल्ड इन यूरोप वाज, गिल्ड क्या था, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, गिल्ड क्या था, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, 76 का आंसर बी, दूसरा स्टेटमेंट सही है। ब्रिटेन्स कॉटन इंडस्ट्री हैड बिकम द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बाई 1840s। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू यूरोप इन द मिड 19th सेंचुरी, सही जवाब है ऑप्शन सी, कौन कौन सा सही है, पहला और तीसरा, किस चीज से रिलेटेड, रेफरेंस टू यूरोप इन द मिड 19th सेंचुरी। एट दिस टाइम अबाउट 10% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वॉज एक्सट्रीमली पुअर, द मेन रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट वॉज द यूज ऑफ स्पिनिंग जेनी मशीन इन द वूल इंडस्ट्री, यूज ऑफ स्पिनिंग जेनी मशीन इन द वूल इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 78, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन ट्रेड अंडर कॉलोनियल इंडस्ट्रियलाइजेशन, 78 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। सूरत पोर्ट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया वाज कनेक्टेड टू द पोर्ट्स ऑफ द इंडियन गल्फ एंड द रेड सी,
फ्रॉम वेयर इंडिया एक्सपोर्टेड टू द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, एक्सपोर्टेड टू द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। इंडिया वॉज कनेक्टेड टू साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट्स थ्रू मछलीपट्टनम ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन हुगली इन बंगाल। क्वेश्चन नंबर 79, इन विच सेशन वॉज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस, कब एक्सेप्ट किया गया था? दूसरा लाहौर, यह है लाहौर सेशन 1929 में, लाहौर सेशन 1929 में। इन विच ईयर डिड द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट टेक प्लेस, सही जवाब है 1944 में, ऑप्शन ए ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था 1944 में। अब आते हैं हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू द अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन कौन से करेक्ट हैं? ऑप्शन डी तीनों सही है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज द नेटवर्क पार्टनर फॉर द अलायंस, इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया, द अलायंस एम्फसाइजेज एडॉप्टिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेज, शेयरिंग नॉलेज एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन वुमेन्स हेल्थ एजुकेशन एंड एंटरप्राइजेस, किससे रिलेटेड है? अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, पार्टनर नेटवर्क पार्टनर इसमें कौन है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 82, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डज द कमिटी ऑन फिशरीज सर्व्स एज ए सब्सिडियरी बॉडी, सही जवाब है ऑप्शन बी द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 83, क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला सही है, बोइंग सुकन्या प्रोग्राम प्राइमरली फोकसिंग ऑन फोस्टरिंग स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी इन द इंडियन एरोस्पेस सेक्टर, इन द इंडियन एरोस्पेस सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 84, विथ रेफरेंस टू द नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंसर इसका हो जाएगा, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन डी पहला और चौथा, नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। कर्वलीनियर शिखर सेंक्टम टावर राइजिंग इन टीयर्स डिस्टिंग्विशेस द नगर स्टाइल फ्रॉम द अदर इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल, इन द नगर स्टाइल द गर्भगृह इज ऑलवेज लोकेटेड अंडर द टॉलेस्ट टावर। With reference to the Chandak Dampara Wildlife Sanctuary, which of the following statements are correct? Option D, पहला और चौथा, it is located at the northeastern edge of the Eastern Ghat. दूसरा है, Dongriya Kond Tribe Communities associated with the Chandak Dampara Wildlife Sanctuary. Question number 86, which of the following architectural style is predominantly seen in the Guruvayur Temple in Keral? सही जवाब है इसका 86 का ऑप्शन ए द्रविडियन टेंपल स्टाइल, द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। 87, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंड मैनेजमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज कंसीडर्ड मोस्ट इफेक्टिव फॉर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, सही जवाब है ऑप्शन ए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 रिसेंटली डेवलप्ड बाय इसरो सर्व्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस, सही जवाब है ऑप्शन ए इट सेंड्स इमरजेंसी मैसेजेस फ्रॉम फिशिंग बोट्स, इट सेंड्स इमरजेंसी मैसेज फ्रॉम फिशिंग बोट्स। 89, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 89 का आंसर हो जाएगा पहला सिर्फ सही है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज द ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी लाइक एआई, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड बिग डाटा, यह सही है। क्वेश्चन नंबर 90 का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को वेरीफाई करता है, करेक्टली एक्सप्लेन करता है। The northeast monsoon rain has increased by more than 10% in the past decade in several areas of Tamil Nadu, Telangana and Andhra Pradesh. A statement 2 hai, Bay of Bengal has witnessed formation of more frequent low pressure system and depression during the northeast monsoon months. 91, with reference to India and France relation, India and France relation, which one of the following statements are correct? Option B,
इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस इन 2015 टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सोलर एनर्जी ग्लोबली। तीसरा स्टेटमेंट ये भी सही है, बोथ द कंट्रीज हैव कोलैबोरेटेड इन इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग। 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज रिलीज फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट प्राइमरली कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन एंड स्मॉग। सही जवाब है 92 का ऑप्शन बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट प्राइमरली कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन एंड स्मॉग। ग्राउंड लेवल ओजोन एंड स्मॉग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 93, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर वल्चर्स कंसिडर द इंडिकेटर स्पीसीज फॉर इन्वायरमेंटल हेल्थ। दियर प्रेजेंस सिग्निफाइज ए बैलेंस्ड फूड वेब। उनका प्रेजेंस, वल्चर्स का प्रेजेंस एक सिग्निफाई करता है बैलेंस्ड फूड वेब। 94, इसका आंसर हो जाएगा, तीन स्टेटमेंट दे रखा है, इट इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंदुस रिवर, इट फ्लोज इंटायरली विद इन लद्दाख इंडिया, दोदा एंड स्रापलिंगटीसू या फिर लुंगनाक रिवर। लुंगनाक रिवर आर इट्स टू ट्रिब्यूटरीज। कौन से रिवर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है? जास्कर रिवर के बारे में, जास्कर रिवर के बारे में यह एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है विथ रेफरेंस टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन बी दूसरा स्टेटमेंट सही है। ई साक्षी मोबाइल ऐप एम्स टू कैप्चर द इंटायर एमपीलैड फंड एलोकेशन साइकिल एंड प्रोवाइड ग्रेटर कन्वीनियंस एंड एक्सेसिबिलिटी इन मोनिटरिंग द स्कीम। एमपीलैड फंड के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ई साक्षी मोबाइल ऐप। 96, विथ रेफरेंस टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 96 का आंसर सी, पहला और तीसरा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द CCI इज प्रमोटिंग एंड सस्टेनिंग कंपटीशन इन द इंडियन मार्केट। सही है। और तीसरा स्टेटमेंट, इट हैज अथॉरिटी टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड गैदर एविडेंसेस ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन। 97, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरली फोकसेज ऑन एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट इन द ग्लोबल साउथ। सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 97, 98 ये रहा, इन विच स्टेट वॉज द 125 feet ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इनॉग्रेटेड। सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र डिड PM नरेंद्र मोदी लॉन्च 8 अमृत प्रोजेक्ट। सही जवाब है ऑप्शन डी, सोलापुर में, सोलापुर में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड बोट विल बी ऑपरेटेड इन विच रिवर। सोलर पावर्ड बोट विल बी ऑपरेटेड इन सरयू रिवर, ऑप्शन डी सरयू रिवर। और आप देख सकते हैं कि एडुटेरिया का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम 10 फरवरी से लॉन्च होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका भी डिस्कशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर सपोर्ट अच्छा मिलेगा तो इसका भी लॉन्च होगा और आपको PDF भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।